हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट्स से कैसे होता है। इससे पहले जो वीडियो पढ़े थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है वो समझे थे। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट्स के थ्रू डिफरेंट प्लांट्स में होता है। उस प्लांट्स का एग्जांपल जो है डालिया, मिंट, स्वीट पोटैटो एंड गुआवा। प्लांट का नाम पहले ही इसलिए बता दिए ताकि समझना आसान हो जाए। मिंट जो है पुदीना जिसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं अपने गार्डन में भी, या फिर छोटे गमले में भी लगा करके हम लोग इसको आराम से देख सकते हैं। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स बियर स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स कॉल एडवेंटियस बर्ड्स। कुछ प्लांट्स के रूट्स में एडवेंटियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको अगर निकाल के हम लोग देखेंगे। और दिस बर्ड्स गिव राइज टू लीफी सूट एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट ऑन द ग्राउंड एवर। लीफी सूट्स, सूट जो है स्टेम को बोलते हैं, तो वहाँ से जो है लीफ के साथ जो है स्टेम का ग्रोथ होता है कुछ डिस्टेंस पे। मीन्स पेरेंट्स प्लांट जो हुआ उसमें जो है थोड़ी सी दूरी पे, मतलब वहाँ से निकलेगा और न्यू एडवेंटियस रूट्स आर फॉर्म। और वहाँ से जो है ग्राउंड के ऊपर जो है स्टेम और लीफ निकलेगा, और ग्राउंड के नीचे जो है वो एडवेंटियस रूट्स निकलेगा। और अगर उस बर्ड्स को निकाल करके दूसरी जगह सॉइल में अगर हम लोग प्लांट करेंगे तो वहाँ से एक न्यू प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे पॉइंट में देखेंगे। व्हेन रूट्स बियरिंग सच बर्ड्स आर प्लांटेड इन द सॉइल, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कारण वहाँ से जो है एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। तो ये हुआ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। और प्लांट्स का एग्जाम्पल हम लोग पहले ही देख लिए, डालिया। डालिया में भी फ्लावर बहुत सुंदर आता है। ये प्लांट भी आप लोग पहचानते हैं, स्वीट पोटैटो भी पहचानते हैं, वो मीठा आलू जिसको हम लोग बोलते हैं, और गुआवा तो आप लोग सबको ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टीम। थैंक यू।